अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? और यहाँ पे हमारा इफ्तार का दस्तर बिछा दी भाई। हाँ, तो यहाँ पे बनाई जूस, रू अफ्जा है ये, और ये टैंक है। तो इफ्तारी क्या ऐसी दस्तर खाना ऐसा सजाती भाई। पे है हलीम, तो वैस के अंदर निकाले। आ सब जने आ जा। तो यहाँ पे रखी मैं चूल्हे पे चाय, तो मैं रोज़ा खोलते ही चाय रख दी थी। इसके बाद चूल्हे पे चाय रख के नमाज पढ़ने गई थी, तो आए तक चाय बन गई। तब हम लोग चाय पी ले के जाते तरावे पढ़ने के वास्ते। आके खाना खाते तो 10:30 होते आए तक। हमारी अम्मी के घर के पास है, तो वहाँ पे जाते अदीबा होटल के पास। लगी थी मंडी, फिर भी मैं तरकारी लाने नहीं गई। जुमरात मंडी से ला ली थी तरकारी, वो वजह से नहीं गई। तरकारी थी अभी तक थी, हम लोग तारा पे पढ़ के आ रहे थे, तो बाज़ार अभी तक था, तो भी नहीं लाए हम लोग तरकारी। है ज़्यादातर तरकारी खाते भी नहीं, रमजान में क्योंकि मैं नहीं भी खाली कुछ कुछ को बिना लेके घर की आ गई। हम लोग सोचे थे पैदल आना, बाज़ार देख लेते जाना, उनके ना वहाँ पर छोड़ के चले गए थे। तो मैं फ़ोन ले करी पैदल आना बोल के, तो मैं क्या करी आके पहले से बैठे गए थे, तो फिर आटो वैसे ले लेके आ गए। तो इसलिए कुछ भी नहीं खरीदी, मैं समझी लेती नहीं थी बाज़ार देख ले के आना, नाखना की मेहंदी वो लेके आना बोल के सोची थी मैं। तो मगर इन्हें ले लेके आ गए, तो साथ में आ गए घर पर। फिर आके वो खिचड़ी खट्टा था, सीमा था, तो गर्म करी खाना खा लिए चाय के लिए। अब सोने की तैयारी कर रही, दराबे पढ़ के आ गए, खाना खा लिए, तो आज मैं जल्दी सो जा रही। कल देर हो गई थी सोने में, तक इसलिए 11 बजे आज सो जाती। 3-10 तक उठ के फिर शायरी का कर लेती हूँ। कल क्या हुआ बोलते, मैं इनके साथ बाज़ार पर गई थी 7:15 बजे गए थे, 1 बज गया था इसलिए। तो कल सो गए था कि 2 बज गए थे, फिर 3:30 को उठ गई थी मैं शायरी में, तो इसलिए आज ना जल्दी सो जाती हूँ। शहरी में जल्दी उठ के बनाती हूँ, कुछ भी नहीं बनाती, चावल धो के रख दी मैं, सादा चावल बना देती हूँ, साथ में रोटी और चिकन का सालन शहरी में बना देती हूँ। हरी वीडियो मैं पैक करती हूँ, अंदर आती हूँ।